भूमिका फ्रॉम प्रांतनगर एंड सी हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन फॉर द कोरिलेशन. ओके, सो दिस इज दिस क्वेश्चन इट हैज कम इन द मैकेनिकल ब्रांच 2020 एंड दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. माय सजेशन टू यू दैट प्लीज गो इन द दिस लेक्चर. ओके, सम स्टूडेंट दे लॉस्ट द वीडियो, सो दे केम लेट. सो सेम लेक्चर्स आई हैव अपलोडेड इन वन यूट्यूब चैनल एल्बर्ट जोशी. ओके, एंड आफ्टर वन और टू डेज आई विल अपलोड इट, नो प्रॉब्लम, यू कैन डाउनलोड बिकॉज दिस इज द फ्री वीडियो, मीन्स दैट इज द एड फ्री वीडियो एड फ्री चैनल एक्चुअली. ओके, सो देर इज नो मोनिटाइजेशन. ओके, सो यू कैन डाउनलोड, यू कैन टेक ऑल्सो बेनिफिट. देर आर मेनी लेक्चर्स एंड फॉर ऑल द टॉपिक्स आई हैव अपलोडेड मेनी वीडियोज, यू कैन जस्ट टेक द एडवांटेज. सो द क्वेश्चन इज कंसिडर टू एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल बोथ हैविंग ए मीन एक्स एंड वाई आर 0.5 एंड ईच वेरियंस जेड इज इक्वल टू 0 इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई देन द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू. सो एट फर्स्ट यू मस्ट नोट इन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यू मस्ट नोट मीन इज इक्वल टू वेरियंस की पावर 1/2. वट इज द मीनिंग ऑफ मीन, वट इज द मीनिंग ऑफ वेरियंस एंड वट इज द एप्लीकेशन ऑफ मीन एंड वेरियंस, द कोरिलेशन, कोवेरियंस, कोफिशियंट, द स्कूनेस, ऑल द टॉपिक्स, रिग्रेशन. वी हैव गिवन मैनी वीडियो लेक्चर्स, यू कैन टेक दैट एडवांटेज. ओके, सो मीन इज इक्वल टू वेरियंस टू द पावर 1/2. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26. वी आर अपलोडिंग मैनी, वी आर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन फॉर द गेट 2020 फॉर ऑल ब्रांच. ओके, सो डोंट थिंक दैट इफ इट हैज कम इन मैकेनिकल ब्रांच देन इट विल नॉट कम इन योर ब्रांच. ओके, सो इफ इट इज इन योर सिलेबस सो यू मस्ट ऑल्सो स्टडी इवन यू आर इन ए डिफरेंट ब्रांच, यू बिलोंग टू डिफरेंट ब्रांच. सो मीन इज इक्वल टू वेरियंस की पावर 1/2. सो इन दिस कंडीशन योर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5, दिस इज योर मीन. ओके, मीन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.025. सेम थिंग ऑल्सो सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.025. ओके, दिस इज 0.025. नाउ यू मस्ट नोट वन फॉर्मूला वी हैव एक्सप्लेन्ड, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ओके, वी हैव एक्सप्लेन्ड ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरियंस ऑफ वाई प्लस 2 into AB कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, एंड सेकेंड फॉर्मूला आई विल लीव इट, सेकेंड फॉर्मूला यू मस्ट नोट एंड दिस फॉर्मूला द कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, आई विल डिनोट बाय आर, द कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. सो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कोवेरियंस, देन वी हैव टू दैट इज ऑलरेडी वी नो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, बिकॉज सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सिग्मा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. इट मीन्स दैट योर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0.5 एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0.5. नो प्रॉब्लम. सो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू दिस. सो आई विल फाइंड, सो नाउ द वेरियंस, इफ I will write if A is equal to B is equal to 1. Suppose these are the scalar value, these are the constant. Suppose this A and B is equal to 1. So in this condition, your variance of, it means that your variance of X plus Y, and you know that if variance is equal to X plus Y and X plus Y is equal to Z. Okay. And this is variance of Z. It means that, and you know that
this z is equal to 0, variance of z is equal to 0. Okay, no problem. We will find also right side. This is a square means 1, variance of x plus, this is also b square is equal to 1, variance of y plus 2 into ab, it means there are 2, and this is covariance of x and y. I think that you understand. This is very simple. So this z is equal to 0. They have given us z is equal to 0. For z is equal to 0, so you can also write variance of z minus variance of x minus variance of y is equal to 2 into covariance of x and y. Okay, so what is variance of z? Z is equal to 0, this is 0 minus variance of x. So variance of x, already we have written variance of mean is equal to variance ke power 1 upon 2. It means that variance is equal to mean square. So mean is equal to 1 upon 2. 1 upon 2 means 0.5. Okay, so 0.5 means 1 upon 2 whole square. Okay, minus 1 upon 2 whole square is equal to 2 into covariance of x and y. Okay, I think that you understand. So 1 upon 4 plus 1 upon 4. So that will be again minus 1 upon 2. Okay, into 2. Minus this value. Sorry. This is 1 upon 2. This is 1 upon 2. Okay. Minus 1 upon 2 into 1 upon 2. So, is equal to covariance of x and y. So, that is minus 1 upon 4. So, your covariance of x and y is equal to minus 1 upon 4. And this value already you know now. The final result. Covariance of x and correlation of x and y is equal to covariance of x and y. We have find this is minus 1 upon 4 and sigma x is equal to 1 upon 2 and sigma y is equal to 1 upon 2. 1 upon 4 upon 1 upon 4 is equal to 1. But this is minus, so its value is equal to minus 1. So your answer is equal to minus 1. I think that you understand. So you have seen we have used only this formula to find the result number first and second, and we have used the second formula is this mean is equal to variance ki power 1 upon 2. Okay, in the exponential distribution. Okay, so if you know these two relation, then you can find, otherwise it is not possible. So now the next problem. So now we will discuss one message I have got, and this is Seku from Jammu and Kashmir, and she is in electrical department. Okay, and she is asking, please discuss about the electrical. Now I will solve all. So we have solved all the problem for the mechanical branch. After some time, I will also, if I will got any message for the aptitude, then I will discuss for the aptitude and English classes. Okay. Here and reasoning classes, here we are solving all the mathematical problem. So I will solve one questions from for the electrical. We will discuss about the vector function. So now total number of 26 questions we have solved, and we have decided we will solve more than 150 questions. So please do not miss the class. Okay, and in this lecture I will show you that all the problems already we have solved. Okay, you have to understand the method how to solve such type of problem. Okay, so I think that you understand.